वाह, कितना टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार है। आज मैं गुड़ की खीर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वेलकम टू डोलियन किचन फ्रेंड्स। आज की मेरी रेसिपी है गुड़ की खीर। वैसे तो चीनी की खीर हम सभी बनाते हैं, लेकिन गुड़ की खीर भी बहुत ही टेस्टी होती है और सर्दियों में इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। तो गुड़ की खीर आप ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पे मैंने गुड़ की खीर बनाने के लिए एक कटोरी चावल लिया है, जिसको मैंने एक घंटा पहले भिगो दिया था, और गुड़ लिया है स्वाद के अनुसार, ड्राई फ्रूट लिया है, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू, किशमिश और बादाम ली हूँ, और एक लीटर मैं यहाँ पे दूध ली हूँ फुल क्रीम। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे और दूध को एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट को काट के तैयार कर लेंगे। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चावल को डाल देंगे। लगातार इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। चावल को हमने पहले ही भिगो दिया था, तो खीर बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। इसको गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसको पकाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चावल पक के बिल्कुल तैयार है और दूध और चावल आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो मेल्ट करने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी पानी लिया है, उसमें हम गुड़ को डाल देंगे और गैस पे इसको रख देंगे। गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करके डालने से ये होगा, खीर हमारा बिल्कुल फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, देखिए यहाँ मेल्ट हो चुका है। अब हमारा इधर खीर भी ठंडा हो चुका है, उसमें हम एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और यहाँ गुड़ को हम छान के डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है गुड़ वाली खीर, आप ज़रूर बनाइए सर्दियों में, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। अब ड्राई फ्रूट भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो खीर अब हमारा बनके बिल्कुल तैयार है, अब इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, अब ऊपर से हम गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट से। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है और डिलीशियस दिख रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।